शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है। आज परमेश्वर ने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा कि हम आज का सूर्य देख पाए हैं और आज का हम सुबह देख पाए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, जो भी आपके बच्चे, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में ढेरों बरकत आशीष आप देने वाले हैं, उनको सुरक्षित रखने वाले हैं, उनके हर एक कामों में मदद करने वाले आप हैं मेरे प्रिय परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदाबंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं गवाही से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक ब्रदर हैं जिन्होंने हमारे संगठन में लोग हैं, हमारे मसीह समाज के लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपको सुनना, क्योंकि आपका विश्वास जब कमजोर होने लगता है तो परमेश्वर का वचन भी कमजोर होने लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो चाहता है कि आप अपने बल पे खड़े हों, अपने पांव के बल खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और मैं तुम्हारी ढाल हूं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों से जिसने प्रेम किया है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने उससे प्रेम अधिक किया है, कहीं उससे अधिक प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यदि 10% करते हो तो 90% मेरे ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, तो आज यदि कोई भी काम आपका सफल नहीं हो रहा है, पहले आप इस गवाही को सुनिए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, क्या घटना घटती है कि एक बहन के जीवन में इतनी सारी दर्दनाक घटना घटती है। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे ही कलीसिया में आती है, 18 साल से सिर का दर्द नहीं जा रहा था मेरे प्रियो, 18 साल से सिर का दर्द नहीं जा रहा था। जब से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया है और प्रार्थना की और विनती की, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था पहले जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में नहीं थे, प्रार्थना नहीं करते थे, उससे पहले ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता था कि जब वो दवा ना खाती हूँ। रात को सोते समय दिन में तीनों टाइम दवा खा करके उनका दर्द जो थोड़ा कम तो हो जाता था, लेकिन पूरी तरीके से सिर का दर्द नहीं जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना की, 18 साल से जो बीमारी थी वो एकदम दूर हो गई है। आवाज वो रो रो करके गवाही देती हैं, चिल्ला चिल्ला करके गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। तो मेरे प्रियो, आज हमें उत्साहित होना है, आज जरूरी है कि परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखें, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी है जो नहीं ठीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास कमजोर है। आप विश्वास नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन उतना विश्वास नहीं करते हैं, किसी और चीज पे विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यदि किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब जवाब दे देता है तो सिर्फ परमेश्वर उसे जीवन में सब कुछ वो दे सकता है जो एक अपेक्षा, एक विश्वास लगा करके डॉक्टर के पास जाता है कि मैं डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, मुझे बीमारी से दूर कर देगा, मुझे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उससे मेरा डॉक्टर जो दूर कर देगा। लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक है बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो परमेश्वर ऐसे लाखों करोड़ों ऐसी गवाहियां हैं जो परमेश्वर हर पल हर समय हर घड़ी किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर जिंदगी में काम करता रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको भरोसा रखना है। सुबह के टाइम आप आज अपने ऑफिस में जाना चाहते हैं, काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका शॉप है,
किसी भी चीज की छोटी से बड़ी से लेकर के दुकान है, परमेश्वर आपको उसमें बरकत देने जा रहा है, उसमें आशीष देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले वचन को पढ़ते हैं उसके बाद प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक चैनल नहीं एक ये कलीसिया है जो कि लाखों लोग परमेश्वर के वचन पे जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो। तो आप भी जुड़िए, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के राज्य को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा सकें मेरे प्रियो। तो आइए चलते हैं, बाइबल को उठाते हैं और पहले वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें कौन से वचन दिए हैं। तो आइए अपनी बाइबल को उठाइए अपने हाथों में या फिर बाइबल को खोलिए, आप पढ़ सकते हैं भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 75 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एक में 75, आप चैप्टर खोल सकते हैं। लिखा हुआ है, हे यहोवा, यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मेरे पियो, क्या आज परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन नहीं हो रहा है? आज हो रहा है मेरे पियो। आज अनेकों प्रकार की गवाहियां आप देखते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को जो लोग पहुंचाते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे रहा है, उन्हें बरकत दे रहा है, उन्हें संभाल रहा है। क्योंकि हमारा कर्तव्य है परमेश्वर का धन्यवाद करना। यदि हम अपने सच्चे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमको बरकत देता है, हमें आशीष देता है, हमें हर एक चीज़ से संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसका नाम प्रकट हुआ है इस पृथ्वी पर, इस संसार पे, इस पूरे संसार पर परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है जो और कहीं हमें नहीं मिलता है। यदि आज हमारे काम नहीं सफल होते हैं तो हर एक काम सफल होंगे, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी हमारे जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी हमारे जीवन से, हर एक काम सफल होंगे क्योंकि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए आए, हमें बरकत देने के लिए आए, हमें संभालने के लिए आए। आज आपका मन उदास हो सकता है, आज आप चिंतित हो सकते हैं, आज आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को अपना दोस्त समझिए, जिस तरीके से एक अपना दोस्त होता है, एक अपना साथी होता है संसार में, और वो हमारे साथ हर पल हर समय, यहाँ पर मैं अच्छे दोस्त की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के लालची या फिर किसी प्रकार का जिसके अंदर घृणा होती है उस दोस्त की बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि पृथ्वी पर हमसे प्रेम करने वाले भी लोग हैं जैसे परमेश्वर का वचन प्रेम करता है। हालांकि परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की प्यार से हम तुलना नहीं कर सकते इस संसार के, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमेशा है, दुख में है, सुख में है, हर एक चीज़ में है। लेकिन सृष्टि में क्या होता है, कभी कभी हमारे दोस्त ही हमारे साथ गद्दारी करते हैं, कभी कभी हमारे रिलेशन के तो हमारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, साथ नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना कि मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब दो में पढ़ते हैं, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ठीक न्याय करूंगा, जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समय डोल रही होगी तब मैं उसी खंभों को स्थिर करता रहूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ठीक समय आएगा तो मैं हर एक कामों को ठीक कर दूंगा मेरे प्रियो। तो आज हमें किस बात से घबराना है, किस बात से हमें चिंतित होना है, किस बात से हमें भयभीत होना है? बिल्कुल भी हमें भयभीत नहीं होना है। आज हमारे हर एक काम सफल होंगे। पवित्र बाइबल के वचन को पढ़िए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन जिस दिन तू मुझे पुकारेगा उस दिन मैं तेरी जिंदगी में हर एक हड्डी और कमी को पूरा करूंगा, हर एक चीज़ों को पूरा करूंगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिस दिन तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर दुख को, हर क्लेश को, हर संकट को मिटाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा था कि मैं परमेश्वर तेरी दुहाई देता हूँ चिल्ला चिल्ला करके, जिस तरीके से राजा हिजकिया के जीवन में घटना घटती है, राजा सुलेमान के जीवन में घटना घटती है, उसी तरीके आज हम
यदि जिस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना किया था, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं से भिगो करके परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने घुटने को टेक करके विनती और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा काम हो जाए, तो उसका काम उसी वक्त हो गया था मेरे प्रियो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, कोई भी हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको हर एक पापों से छुटकारा देने जा रहा है, आपके बच्चों के बीमारियों को दूर करने जा रहा है, आपके भाइयों की बीमारियों को दूर करने जा रहा है, आपके घर में, आपके बहनों के जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई भी दिक्कत तकलीफ है, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देंगे, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने वाली इस मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, अब वचन के ही पे समाप्त करते हैं, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम पहले अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप अपने घुटने को टेकना चाहते हैं तो अपने घुटने को टेकिए और खुदावंत के सामने अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, अपने हर एक मन में जो भी किसी प्रकार की क्रोध है, जो भी किसी प्रकार की गुस्सा है, जो भी किसी प्रकार की बुराइयां हैं, आप उसे दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के कर्ता हैं, धरता हैं, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके सामने अपने हाथों को फैलाते हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने को टेक करके जो भी मसीह भाई बहन विनती और प्रार्थना और निवेदन करता है, आज उसकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उसकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आप अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर इन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर, जो आज रोते हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपनी बीमारियों से, अपने घर के समस्याओं से, अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, अपने कामों से आज दुख है, तकलीफ है, इनके पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। जो भी आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, इनके जिंदगी को आप छूने वाले हैं, इनके घर को संभालने वाले हैं, इनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। उसके पवित्र लहू के नाम से हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, उस लहू को हम धन्यवाद करते हैं कि जिस हमारे पापों के लिए जो लहू बहाया गया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम उसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम आपको केवल धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपको धन्यवाद कर सकते हैं, आपको गुणगान कर सकते हैं, आपके वचन को पिता परमेश्वर पढ़ सकते हैं। आपके बाइबल के वचनों में जो भी कुछ लिखा है पिता परमेश्वर, वो सत्य है और पवित्र है पिता, इसके लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते, निवेदन करते हैं। जो भी आप जिस समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता, उनको आशीष देने वाले आप पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप पिता परमेश्वर, आप हमें सुरक्षित रखने वाले आप पिता परमेश्वर, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को आप देख रेख करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आजाद हो जा हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की
गंदी दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की समस्या इनके घर से जाए पाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका वचन पवित्र है पिता, आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, और पवित्र स्थान पे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो पिता परमेश्वर, और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। आज वो शैतान आपके मंदिर को नष्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे जो भी किसी के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं जिसके घर में अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, जिसके लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने घर के लिए, सभी के लिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे दीजिए, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, निकल इनके घर से, इनके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां इस समय आज्ञा दे रहे हैं उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक चीजों को हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और जाते जाते आप इस वीडियो को सीधा सीधा मसीह भाई बहनों तक पहुँचाइए, जो मसीह का कद्र करता है, जो परमेश्वर के वचनों का कद्र करता है, उन्हीं तक आप इस वचन को पहुंचाइएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके, और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके, और उसकी बड़ाई हो सके, उसके राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनों जो दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको संभाल कर रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पहले ही परमेश्वर के प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक चीजों को हमने सौंप दिया है, तो आज हमको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।